नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु गहलवानी। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की। छत्तीसगढ़ में कोरोना से पहली मौत हो गई है। कोरोना पॉजिटिव युवक की उपचार के दौरान मौत हुई है। बरगांव के 37 वर्षीय युवक में सर्दी खांसी के लक्षण दिखे थे। मृतक के संपर्क में 15 लोगों के आने की खबर भी सामने आई है, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। बता दें बड़ी खबर छत्तीसगढ़ रायपुर से, जहां पर पहली मौत कोरोना से हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। युवक में सर्दी खांसी के लक्षण पाए गए थे। बरगांव का रहने वाला था 37 वर्षीय युवक। मृतक के संपर्क में 15 लोग आए थे, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और क्वारंटाइन किया गया है। पहली मौत छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज की हुई है। बता दें 37 वर्षीय युवक की मौत हो गई है और उसके संपर्क में 15 लोग और आए थे, जिन्हें अभी क्वारंटाइन किया गया है। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। युवक में खांसी सर्दी के लक्षण दिखे थे, उसके बाद उसका इलाज चल रहा था और मौत हो गई। सुप्रिया हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गई है। सुप्रिया, पहली मौत छत्तीसगढ़ में कोरोना से। बिल्कुल, अब छत्तीसगढ़ में पहली मौत का जो मामला है वो सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मामला है वो उनमें सर्दी खांसी के जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे थे, और ये जो इनके संपर्क में जितने 15 जो डॉक्टर और जितने भी उनके सेवा में जो लगे हुए थे, उनको सभी को तत्काल प्रभाव से जो है क्वारंटाइन किया गया है। और इनके घर के लोगों को भी जो है क्वारंटाइन करने का जो कवायद है वो शुरू हो गई है। तो इस तरीके से मामले है वो सामने आ रहे हैं। पहला छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना से पहला मौत है, जो काफी गंभीर बात है। अब तक जो है छत्तीसगढ़ के मामले तो बढ़ रहे थे, लेकिन जो मौत है वो नहीं हुई एक भी। तो एक तरफ से जो मौत हुई है तो प्रशासन जो है वो सख्ते में आ गया और पूरे जो इलाका है वहाँ का, वो पूरा इलाका जो है वो सील कर दिया गया है। जी सुप्रिया, लगातार जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, कैसा माहौल छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है? क्या चहल पहल लगातार जारी है? बेवजह भी लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वजह है। जब से बाजार खोला गया है तब से लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर तो झूठ भी नहीं दी गई है। शनिवार और रविवार को जो है टोटल लॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी वो की जाती थी। आज शनिवार है तो इस तरह के जो आज के दिन पूरे लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो होनी थी। आज पूरा लॉकडाउन होना था, लेकिन लॉकडाउन को भी वापस ले लिया गया, उस आदेश को वापस ले लिया गया है। और आज पूरे बाजार जो है वो खोले जाएंगे, क्योंकि पहले ये नियम था कि सड़क के इस पार की दुकानें हैं वो आज खुलेंगी, तो वहीं उस पार की दुकानें कल खुलेंगी। तो इस तरीके से किसी भी तरह से निर्देश नहीं दिए गए हैं। अब जो दुकानें हैं वो हफ्ते में 6 दिन खुलेंगी और जो रविवार है उस दिन अवकाश रहेगा। और रविवार को तो अधिकतर जो बाजार है वो बंद रहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि रोज खोलने की जो अनुमति है वो दे दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो है जितने भी रायपुर के बाजार है उनको खोलने की अनुमति जो है वो दे दी गई है प्रशासन के द्वारा। और साथ ही छूट भी जो काफी है वो भी दे दी गई है। ऑटो जो टैक्सी है वो भी चलने शुरू होगा। तो इस तरह से तमाम छूट है वो छत्तीसगढ़ में दे दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार बने रहिए आपके साथ, अगली खबर पर भी जुड़ेंगे।